दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं प्रहलाद जी ओझा के यहाँ आया हूँ और ये प्रहलाद जी ओझा को बीकानेर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको लगभग बीकानेर सारा रमक झमक के नाम से जानता है और ये पुष्करणा सावा में कई तरह के प्रोग्राम रखते हैं, तो आज मैं इनसे मुलाकात करने आया हूँ। आज इनके पुष्करणाओं के संगीत वगैरह के बारे में चर्चा की, तो इन्होंने कई तरह की अपनी आगामी योजनाएं बताई, तो हम इन्हें शुभकामनाएँ देते हैं कि इनकी योजनाएं सफल हो और ये अपने मारवाड़ी शादी ब्याह वगैरह के गीतों का संकलन कर सके और समाज को एक नई दिशा दे सके। संपूर्ण बीकानेर समाज एक ऐतिहासिक पुस्तक तैयार हो गई और अभी पुस्तक माने अलग मतलब जन्म से मृत्यु का समस्त पौराणिक गीत जिसका वर्तमान में गाई जा रहा है कुछ लुप्त हो गया है या कुछ राग पर तो उन लोगों ने भी गीतों का संकलन है। मेरे वास्तव में अठे सुले कराची तक जिका जिका गीत मैंने मिल गया और आज सो लगभग 60-80 साल पहले बीच में कोई पुस्तक निकली थी वह पुस्तक का गीत में आज भी संपूर्ण बीकानेर लोग जिते भी बजे गाई थे लेकिन मैं कहीं लुप्त हो गया कुछ कड़े उलट पुलट हो गई। वे मूल गीत क्या था ब्यूरो संकलन कुछ गीत में गायित रहे हैं लेकिन प्रिंटिंग ठीक हो रही है आज तक विश्व गीतों का संकलन कुछ सामूहिक ध्वनि पर गीत गायित रहे हैं जो अपन मूर्ति पर छापो गए थे जो ब्याह पर सोवेला गई थे वहाँ सोवेला गीत लोगों ने एक लोग कड़ी आप क्या क्या अपन मैं विश्व गीतों का संकलन कर रही हूँ जिसको अब तक हुए को नहीं वह ऐतिहासिक पुस्तक जिकी लोग राखे कि हाँ एक पुस्तक हुई आज बाग में पहले तो मैं सोचे कि मैं संपूर्ण 2.5 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं सोचे कि पुस्तक तैयार कर सौ फिर निकाल सौ तो मैंने लगे कि 2-2.5 साल और लाग सकते तो मैं एक बार पार्ट फर्स्ट निकालने लगा आप पुस्तक भी लगभग 200 पेज भी हो सके और फिर पार्ट सेकेंड निकाल सौ कुछ जो कर सौ अभी तो मैं विवाहनी जितनी परंपराएं हैं एक एक छोटी अपना आप पता है हाथा हुए चिकी हुए बरी हुए जान हुए बस इतना ही पता है लेकिन ये हाथ का मन में भी छोटी छोटी रस्में हैं ये नाम लोग भूल गया मैं मूल परंपरा क्या थी फिर उद्देश्य क्या था मेरा वर्तमान में सात्विकता क्या है मारे सोच रहे कि परंपरा जी लोग बनाई थी नहीं परंपरा जी लोग बनाई थी वहां परंपरा और रीत जो कहीं कुरीति बढ़ गई पुष्कर समाज रीति बिगड़ गई मैं कह रही पुष्कर समाज की रीतियों हैं वैसे तो पूरे हिंदुस्तान समाज में प्रेरणा लेनी चाहिए प्रति बड़ी सार्थक है और आज भी सार्थक है वे रीति पूरी अभी आपको बना रही हूँ वास्तव में परंपराएं बहुत है वैसे लॉजिक है वर्तमान में अगर पालन किया जावे तो मैं कहूँगा सब वैज्ञानिक है तर्क संगत है तो इस गीतों का संकलन अभी परंपरा पीछे सोच क्या थी वर्तमान में सार्थक क्या है वह संकलन कर पुस्तक तैयार कर सकते और वह इसको करे बाद जल्दी आ जाए हमारी कोशिश ऐसी शायद एक महीने के बाद वह मार्केट में आ जाए और वह फिर लोग संभाल रखे इससे पुस्तक है बाकी समाज विकास समाज सब है कुछ चीज़ें उसकी शायद छोट गई है मैं हर समाज में कह रही हूँ कोई सी परंपरा जिसकी थोड़े समाज में हो रही समाज में नहीं हो रही है और मिलती जुलती परंपरा क्या है मेरे पीछे गीत क्या है पावन जीवन दियो तो मेरे मूल गीत ने खोजने की कोशिश करो बहुत संपर्क जारी है मुझे सी 10-5 दिन में करके 15-20 दिन में प्रकाशित राग सी महीना सवा महीने में पुस्तक संभव तो बीकानेर में और बीकानेर तमाम समाज लोग जिसका हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहा है वे आ जा सकते किसी भी जाति रहो हाँ पुष्कर समाज पर मैं प्राथमिकता रख सी बहुत बढ़िया प्रयास है आप और ईश्वर आपके प्रयास में सफलता प्रदान करें इसी हमारी कामना है। देखो मैं तो कह रही हूँ रमक चमक जी है नहीं पर सब लोग सादगे हैं जड़े रमक चमक है और बस रमक चमक सब लोग सब साथ रहे बजे चल रही है रात चलती रहती रमक चमक व्यक्ति विशेष को नहीं अब रमक चमक एक ब्रांड है ब्रांड ब्रांड में संपूर्ण समाज रहा और ईश्वरी कामना ईश्वरी प्रार्थना आ रहे कि आप द्वारा और प्रयास करता रहो बाकी करना सभी छोड़ना है बुजुर्ग आशीर्वाद जय भैरवनाथ जय भैरवनाथ।